लक्ष्मी जी, उनका क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि हमने उन्हें चोट पहुंचाई, दुख दिया? कब चोट पहुंचाई और कैसे? कहीं उन्हें श्याम जी और हमारी सगाई के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, उन्हें पता कैसे चलेगा, कौन बताएगा? हमें अर्णव सिंह रायसादा से बात करनी पड़ेगी। हमें सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना होगा। अंजलि जी मां बनने वाली है और हमारी वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही हमारी वजह से आकाश जी और जीजी की शादी पे कोई असर पड़ना चाहिए। अरे अंजलि बिटिया, अरे हमारी बतवा तो सुनो। हम ये कहत रहे कि चलो ना, चल करो वीडियो कैसे देखते हैं, हमसे तो रहा नहीं जा रहा, यहाँ का रखा है, चलो ना फास्ट। जलेबी है? इन जलेबियां कौन बनाया है? खुशी जी ने बनाई होगी। हाँ, वो शायद खुशी जी ने ही बनाई होंगी। मामी जी जब भी वो परेशान होती है तो इसी तरह जलेबियां बनाती, और आज जो कुछ हुआ शायद उसी की वजह से। दामा जी, हाउ डू यू नो खुशी जी की कुकिंग के बारे में? इतना जनरल नॉलेज कहाँ से कलेक्ट किए? वो मामी जी, वो तो हमें तो पता है कि खुशी जी जब परेशान होती है तब जलेबियां बनाती, लेकिन शायद हमने आपको कभी नहीं बताया इस बारे में। असल में रानी साहिबा, वो हम तो दी मैंने बताया जीजा जी। After all, खुशी मेरी पत्नी है, मुझे उसके बारे में सब पता है। फटी साड़ी के बारे में हम भी खूब जानते हैं। मामी जी, वो शादी वाली डीवीडी देखने चले? अरे हाँ, तो चलो ना, आप दोनों भी आ रहे हैं। चले जीजा जी। सेट माँ, अरे हम कहाँ हैं? हम तो मेन रोल में थे, एपिसोड से हम गायब, वीडियो से एकदम टोटल मिसिंग। देखो मनोरमा, अरे कहाँ देखे, हम तो एकदम बिस आईपीआर है वीडियो से। ये देखो, ये रहे आप, ये रहा आकाश पिटुआ, ये रही खून भरी टांग, ये अंजलि पिटिया, दामाद जी, इनके बबुआ, वो ये रहे लड़की वाले, अरे ये का अब तो बकरी भी आई गई, और हम कहाँ हैं? अर्णव पिटुआ, अरे वो यहाँ कैसन होई? वो तो खुद अपन शादी की वीडियो शूटिंग में बिजी रहा ना, ये फटी साड़ी के साथ। अरे ये का मतलब हम ही नहीं है यहाँ, हम दूल्हे की
15 दिन पहले से डाइटिंग किन कि देसी क्रीम और पाउडर ना ही लगाए बल्कि मेकअप का पूरा सामान बाहर से इंपोर्टेड किए। ये फटी साड़ी नहीं पहने हैं हम, सतरंगी साड़ी पहने, 24 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी पहने, ऐसा कैसे हो सकता है? This is not fair. देखो अब मनोरमा ऐसी कोनो बात नहीं। अरे वो देखो अब वही तुम्हारा हाथ देखे रहे मोटा सा। अरे हमारा ब्यूटीफुल स्लिम हैंड नहीं है, 2.5 किलो का हैंड तो मधुमती जी का। अब आई हमारी समझ में बतवा, ये सब प्लान मधुमती जी का ही है, उहे काट दी ने हमारा रोल। अरे इतनी सी बात में काहे नाराज होगा तुम, इतना बड़ा फैमिली है, केहू के फोटो छूट गवा हो जाते गलती। प्लीज ये हुआ नहीं है, ये किया गया है। अच्छा हम सब जानते हैं ये सब एक खून भरी टांग और एक पुआज की प्लानिंग है। एक ही तो काम दिए थे वो गुप्ता फैमिली के वीडियो बनाए का और वो भी ठीक से नहीं कर पाए। ये सब तुम लोग हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की हो और हमको वीडियो से आउट की हो। हम सब जानते ये सब इनकी प्लानिंग है, तुम ही जिम्मेदार हो यू खून भरी टांग। हेलो हाय बाय मनु, अरे रुको तो। हेलो हाय बाय बाय, रिटर्न्स ऑफ खून भरी टांग, व्हाट हैपेंस? आपने खाना नहीं खाया ना, इसलिए हमरा खाए का कोनो विचार भी नहीं है। अब हम अपनी गलती मानते पर आप खाना बस थोड़ा सा खा। एक मिनट, गर्मा गर्म कड़क पूरी हैं और साथ में स्वीट पुडिंग माने कि हलवा और दाल अलग से घी और एक मलाई कोफ्ता। हाँ सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा सा खा लीजिए ना। हेलो हाय बाय बाय, प्लानिंग पे प्लानिंग, हम खूब जानते हैं खून भरी टांग कि तुम्हारे मन में क्या चलत है। ऐसा इनोसेंट की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो जानत हो कि हम डाइटिंग करत हैं, इसलिए हमका टेम्प्ट करने की कोशिश करत हो कि हम ये सब खाए और फाइट हो जाए और तुम रहो स्लिम की टीम, यही ना? लेकिन एक बात जान लो, खून भरी टांग हमरा अपने ऊपर पूरा सेल्फ कंट्रोल है, इसलिए हम तुम्हारे ट्रैप में नहीं आए वाले, समझी? जाओ ना जीजी, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। नहीं खुशी, कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें ही कुछ करना होगा। कुछ गड़बड़ नहीं होगी जीजी, सब अच्छा ही होगा, बस हमें ये सोचना है कि मामी जी को क्या अच्छा लगता है और फिर उसी चीज से हमें उन्हें मनाना है। सोचो जीजी, सोचो सोचो उन्हें क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या चाहिए, ऐसा क्या है जो करने से वो खुश हो जाएगी। हमें इस घर से बाहर निकलवा दो, खुश हो जाएंगी वो। ओहो जीजी, हम यहाँ समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो कि पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह बात कर रहे हैं। जीजी, उनकी पसंद की कोई चीज बनाते। नहीं नहीं खुशी, वो डाइटिंग कर रही, उन्हें खीर इतनी पसंद है तब भी नहीं खाती वो। ऐसा तुम सोचते हो जीजी, बस अब तुम हमारा कमाल देखती जाओ।
इस प्यार